क्यों सा ऐसे बेबात क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं 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 कुछ नहीं। सा बताइए ना। आज हमने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। क्यों ऐसा क्या गलत किया हमने? सा साफ साफ बताते क्यों नहीं आप? देखिए आप हमसे कहती थी ना कि आपको अपनी सारी औलादें लाड़नी हैं, लेकिन आज हमने आपको कार्तिक के कमरे में उस पर अपना विशेष लाड़ उड़ेलते हुए देख लिया। आपके सुपुत्र जाने कहां से भीगते भागते दौड़ते आपके नियम को तोड़ते हुए देरी से घर में आए, उसके बाद भी आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। यही गलती अगर हमने की होती ना तो हमसे तो 500 सवाल किए बगैर हमें छोड़ती नहीं। सा ये जो विशेष लाड़ प्यार आपको नजर आ रहा है ना हमारा, ये सिर्फ उसकी शादी तक के लिए है। और हाँ आपकी एक बात हमें और अच्छी लगी, आपने गहना बहू के बहन के रिश्ते का फैसला कार्तिक पर ही छोड़ दिया है। ठीक किया, जीवन उसी का है, अब उसे अपने जीवन के बारे में फैसला करने का पूरा हक है ना। वैसे तुम्हें वो लड़की कैसी लगी? अब तो ये सब कार्तिक की पसंद और नापसंद पर ही निर्भर है। ऐसे हमें लगता है कि कार्तिक हामी जरूर भरेगा, लड़की अच्छी है और उन दोनों की जोड़ी भी अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ईश्वर करे आपका विश्वास सच साबित हो। कार्तिक, लवली, कार्तिक, तानिया, मैं यहाँ पे कैसे आ गई? मैं वो, मेरा मतलब कार्तिक मेरे सामने खड़ा था और मैं, कार्तिक आया था। लवली का अच्छे से ध्यान रखना, वो बहुत कांप रही थी, देखना कहीं से बुखार ना हो जाए। तानिया अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो या इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो मुझे फोन कर देना, मैं डॉक्टर को लेके आ जाऊंगा। सच तानिया, तू मेरी कसम खा। हाँ हाँ सच्ची, पर तू इतनी खुश क्यों हो रही? मैं खुश इसलिए हो रही हूँ कि आखिरकार कार्तिक मुझसे मिलने आ ही गया। अच्छा हुआ आ गया, वरना भगवान जाने तेरा क्या होता। तू ठीक तो है ना लवली? तान्या मुझे क्या होगा, मैं तो, तान्या एक बात बताना, उसे कार्तिक ने कुछ कहा मेरे बारे में? मेरा मतलब उसने अपने कोई दिल की बात तुझसे शेयर की क्या? ऐसा तो कुछ नहीं कहा लवली, पर हाँ जिस तरह से वो तेरे लिए परेशान हो रहा था, तेरी फिक्र कर रहा था, उससे तो यही लगता है कि वो भी तुझसे प्यार करता है। तुम लोगों की पढ़ाई, तुम लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं सर पे, तुम लोगों को कोई फिक्र नहीं है? और फिर दादी मुझे डांटेगी। बिट्टू जल्दी जल्दी अपने, कल जब हम लोग बाहर गए थे तो कितने की बिक्री हुई थी? जी 4 रुपए का फोन कॉल, 5 किलो जम्मू वाले राजमा, उसके बाद 2 किलो मूंगफली का तेल, 10 किलो आटा और 20 किलो मूंग की दाल। हाँ 20 किलो मूंग दाल ना, तो यहाँ तो तुमने दाल की कीमत कुछ और ही लिखी हुई है। बताओ मैं चेक करता हूँ अभी, दो मेरे को। लाओ छोड़ो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ ग्राहकों का ख्याल रखा करो, हिसाब किताब मुझ पे छोड़ दिया करो, लेकिन तुम उनकी सुनते ही नहीं हो। ओहो मेरे को एक बार चेक तो करने दो, मैं चेक करता हूँ, अच्छे से देखता हूँ मैं। बिट्टू मेरे पास में तुम्हारे पीछे बर्बाद करने के लिए फिजूल वक्त नहीं है, मुझे और भी काम है और दुकान भी जाना है, तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो, समझे तुम? बिट्टू जी कुछ नहीं, सब कुछ तो ठीक है।
आपने पता है क्या किया? यहाँ पे आपको 700 यहाँ डालना था। मतलब मैंने 700 लिखा है पर थोड़ा इधर लिखा है ना, तो फिर तो मेरा हिसाब तो ठीक ही हुआ ना। लो जी हो गया हिसाब किताब, चेक कर लो एकदम सही है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अपना कार्तिक जो है वो गहना भाभी की बहन के लिए हाँ बोलेगा? वो बड़ी भाभी, मैं जरा जाके बच्चों के रूम में देखती हूँ सब तैयार हुए कि नहीं। हम रसोई में देकर आते हैं। अजी बताओ। अब बिट्टू भैया, मुझे लगता है नहीं। और मैं आदि की बात से सहमत हूँ। तुझे क्या लगता है बिट्टू? मुझे क्या लगता है? मेरी तो हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। शाबाश, मेरी भी हाँ। पापा पक्का हाँ? हाँ जी हाँ। आयशा, इन दोनों की तरफ से पक्का हाँ, हम दोनों की तरफ से पक्का ना। तो क्यों ना 500 रुपए की शर्त लग जाए इस बात पर। लग गई जी, लग गई। लग जाए जी, लग जाए। लगा लो शर्त, तुम्हारी मर्जी। लेकिन भाई साहब ये तो बताइए कि आप किस तरफ हैं? आदि, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। दुकान में मुझे बहुत काम है, मैं दुकान जा रहा हूँ। तुम लोग को बाद में मिलता हूँ, ठीक है? चलो कोई बात नहीं जी, इसको जाने दो। हम चारों के बीच में ये शर्त रही, ठीक है? हम चारों के बीच में रही शर्त। अच्छा भाऊ जी, अगर हम हार गए ना तो 500 रुपए आप देंगे। और अगर हम जीत गए तो 500 रुपए मेरे। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आपको अच्छी खबर सुनाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा मासी, अब हम रखते हैं। प्रणाम। गहना भाभी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं सर, वो मासी का फोन था, वो पूछ रही थी कि कार्तिक का क्या निर्णय है। अब तुम ही बताओ सर, बिना कार्तिक के हाँ ना जाने हम उन्हें कैसे जवाब दे सकते थे। पहले सोचा कि मासा से पूछ लें, पर हम थोड़ा डर गए। हमें लगा कि मासा कहीं ये ना सोचे कि ये अपनी बहन को लेकर हमारे पीछे ही पड़ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। गहना भाभी, आप एक काम करो, आप सीधा कार्तिक भैया से पूछ लो, वैसे भी आपको लगता है कि वो हाँ ही कहेगा ना। क्यों सिमरन भाभी? हाँ भाभी, रिया ठीक कह रही है। और बहुओं के बीच में क्या बात चल रही है? कुछ नहीं निमी भाभी, हम गहना भाभी से ये कह रहे थे कि अपनी बहन के रिश्ते के बारे में हाना वो सीधा कार्तिक से ही पूछ। यही ठीक रहेगा, हम सीधा कार्तिक से ही पूछ लेते हैं। पता नहीं मॉम डैड कैसे रिएक्ट करेंगे, पूछेंगे रात भर कहां गायब रही, क्यों रही, किसके साथ रही। अरे लवली, गुड मॉर्निंग मॉम। डैड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। लगता है लवली आज जल्दी उठ गई और नाश्ते के लिए नीचे भी आ गई। तान्या ने फोन पर बताया था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये रात को उसके घर पर ही रहेगी। अब तबीयत कैसी है? वो डैड। सर, आपको मीटिंग के लिए देर हो रही है सर। दाइमा, मेरी चाय मेरे कमरे में भिजवा दो, मुझे मीटिंग की तैयारी करनी है। इस घर में मेरी किसी को परवाह ही नहीं है। लवली बेटा, कैसी है? मैं ठीक हूं दाइमा। लेकिन बेटा, जब घर के बाहर रात भर रहना हो तो घर में बताना जरूरी है ना। कितनी परेशान थी मैं तेरे लिए, अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। दाइमा, मेरी चाय मेरे कमरे में भिजवा दो। अभी लाई बरवानी जी, अभी आती हूँ बेटा।
बाबू साहब। हाँ बेटा। आज नाश्ते में हम क्या बनाएं? क्या बनाएगी? बिट्टू क्या खाएगा? ओ जी, बिट्टू जी का मन तो पाव भाजी खाने का है। पाव भाजी? नहीं नहीं, अब पिज्जा, पिज्जा अच्छा। मैं कह रही थी कि इतने सारे लोगों के वास्ते पिज्जा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अच्छा सुनो, देखो मैं तो बोलता हूँ कि मूंग की दाल के पकौड़े और पुदीने की हरी चटनी और साथ में सूजी का गर्मा गर्म हलवा मिल जाए तो मजा आ जाए। देखा भाभी कैसे इन लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, अभी देखना दो चार चीजों के नाम और आ जाएंगे। ओ मुन्ना भैया, पता है यहाँ पे ना नाश्ते की बात हो रही थी कि क्या खाना है, आप बताओ आप क्या खाओगे, क्या पसंद है आपको? कुछ भी चलेगा, ये ना मेरे सफेद वाली कमीज में कुछ बिल्स पड़े हैं, वो ले आओ। जी सर। तुम सब लोग मिलकर अपने अपने ख्याली पुलाव पका लो, लेकिन बनेगा वही जो तुम्हारी मासा चाहेंगी, इसलिए मासा का इंतजार करो और बताने दो उन्हें। अरे ओहो लकी, ओए लकी गिर जाएगा। बेओ बेटा नहीं। निमि ये बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं? नहीं नहीं मम्मी जी कुछ नहीं, वो किसी को नाश्ते में ना पाव भाजी चाहिए थी तो किसी को पिज्जा चाहिए था तो इसलिए इतना शोर कर रहे थे। देखो ये कभी कभार पिज्जा और पाव भाजी खाना ठीक रहता है, लेकिन हर रोज नहीं। ठीक है बना लो। आइए आइए। और गहना बहू मेरे लिए जरा पाव भाजी अच्छे से तड़का लगा के बना, और वो पिज्जा उसमें जरा चीज अच्छा लगा दे, हैं? और हलवा तो है ही। गहना बहू। जी मासा। बाऊजी के लिए पाव भाजी और पिज्जा नहीं बनेगा। क्यों क्यों नहीं बनेगा? अरे सबके लिए बन रहा, हमारे लिए क्यों नहीं? आप कैसे बच्चों की तरह पेश आ रहे हैं? आपको डॉक्टर ने मना किया है ना ये सब खाने के लिए, आपको वो कोलेस्ट्रॉल जो है। गहना बहू सबके लिए पिज्जा और पाव भाजी बनाओ, और हमारे लिए और अपने बाऊजी के लिए तुम थोड़ा थोड़ा दलिया बना लेना बेटे, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी आपके लिए यही बेहतर रहेगा। एक बार लवली को फोन करके उसकी तबीयत तो पूछ लूं। मैं जानती थी कि तुम ही होंगे कार्तिक। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं तो वहां तुम्हें बेहोश देखकर डर ही गया था। मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। और हाँ ताना के घर ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। अच्छा पहले ये बताओ हम लोग मिल कब रहे हैं? तुमसे मुझे मिलना है कार्तिक प्लीज। चाचा चाचा हमारे साथ खेलो ना। अरे लकी अनु तुम लोग आज स्कूल नहीं गए? वो सीनियर्स का एग्जाम है ना, इसके लिए हमारी छुट्टी हो गई। ओके तो एक काम करो तुम लोग यूनिफॉर्म्स चेंज कर लो, उसके बाद हम खेलेंगे। ओके ओके सॉरी लवली वो यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, तुम एक मिनट होल्ड करोगी प्लीज? अरे नहीं तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा परिवार है, इतने सारे लोग, सबके नसीब में ऐसा परिवार कहाँ होता है। खैर तुम ये बताओ हम मिल कब रहे? मुझे अपने परिवार के लिए अपने प्यार का बलिदान देना पड़ेगा। हम लोग अब नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरी शादी कहीं और तय हो रही है। कल मैं उसे देखने भी गया था, मेरे परिवार को वो लड़की बहुत पसंद है, और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। मेरे परिवार को वो लड़की बहुत पसंद है, और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता।
तो आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे लवली। गुजरता नहीं है दिल ये संभलता नहीं है तेरे बिना हूँ मैं तन्हा देखा बस क्यों नजर है ये कभी सोचा नहीं हम ऐसे होंगे जुदा धीरे धीरे यादों में ये दिल खो रहा है समझे ना समझाए ये दिल आहे भर रहा है तेरे बिना मेरा चाहिए सुना हो रहा है हम लोग अब नहीं मिल सकते क्योंकि मेरी शादी कहीं और तय हो रही है बाबूजी दलिया और नहीं बस सा खाइए बहुत अच्छा होता है वाजी वाह मजा ही आ गया गहना भाभी ने जो पाव भाजी बनाई है ना वो दुनिया की सबसे अच्छी सबसे बेस्ट वाली पाव भाजी है हाँ बिट्टू भैया बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन पिज्जा उससे भी ज्यादा टेस्टी है अरे भाजी तो इतनी टेस्टी है कि उंगलियां तक चाटते रह जाओ क्यों मुन्ना भैया ये गहना बहू कहाँ है अरे वो मम्मी जी गहना भाभी क्या बात है गहना भाभी आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं बात ही खुशी की है कार्तिक को ना पुष्पा पसंद आ गई है ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो सा हमने खुद सुना है गुड्डू किसी को फोन पे बता रहा था गुड्डू अगर पहले हमें बताता तो हमें ज्यादा खुशी होती अरे भाई गहना ने कहा ना कि उसने किसी से फोन पर बात करते हुए सुना अरे मां साहब आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे कार्तिक ने लड़की पसंद कर ली और शादी के लिए हाँ कह दी बिल्कुल मां साहब आपको बहुत बहुत बधाई हो हाँ बेटा आपकी सबसे छोटी चाची नई चाची आएगी नई चाची आएगी बच्चों पहले नाश्ता करो गहना बहू भाई तुम्हारे लिए तो डबल खुशी है भाई देखो तुम्हारी बहन इस घर में पांचवी बहू बनकर आ रही है इसी बात पे जरा मीठा हो जाए बिल्कुल बिल्कुल सही पापा बाबूजी बिल्कुल सही कहा आपने गहना भाभी इस बात पे तो मिठाई जरूर बनती है जी जी हाँ हाँ हम अभी लेकर आते हम लोग अब नहीं मिल सकते क्योंकि मेरी शादी कहीं और तय हो रही है कल मैं उसे देखने भी गया था कार्तिक किसी और लड़की के साथ शादी करने वाला है क्या ये सच है